की नगरी में आठवें दीपोत्सव की धूम मची है और मथुरा से विशेष ये मोर नृत्य के जो कलाकार हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं और ये अपनी प्रस्तुति इस बार की शोभा यात्रा में देंगे। इनसे जानते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग मथुरा से आए हैं। अच्छा, ये इसकी जो कौन सी शैली है? ये माधव शास्त्री जी के साथ आए हैं हम मथुरा वृंदावन से। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? मयूर नृत्य। मयूर नृत्य, हाँ जी। इसमें क्या क्या, इस मयूर नृत्य में क्या क्या होगा? ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंधित एक बहुत ही सुंदर लोक नृत्य है, परंपरागत लोक नृत्य है, जिसमें राधा जी की इच्छा होती है कि वे मयूर नृत्य देखना चाहती हैं, तो भगवान कृष्ण राधा जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मोर कुटी पर स्वयं मयूर रूप धारण करके आते हैं और राधा जी और गोपियों के साथ में ये मयूर नृत्य होता है। कितने कलाकार हैं इसमें? इसमें हम लोगों का 15 सदस्यों का पूरा दल रहता है और अभी जैसा आप देखेंगे अभी शोभा यात्रा निकलेगी और सभी अयोध्यावासी और बाहर से भी जो दर्शक श्रद्धालुगण यहाँ आए हैं उत्सुकता से हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम शोभा यात्रा के लिए भी निकलेंगे। ये मयूर नृत्य के कलाकार हैं जो मथुरा से आए हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से राम की जन्मस्थली में आई हैं, क्या कहेंगी? राधे राधे। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। आप लोग यहाँ भगवान की जन्म राम की जन्मस्थली है, कृष्ण की जन्मस्थली से आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आगे? वहाँ से आने के बाद तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आने में हमें इतना बड़ा महोत्सव में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये अपना जो लोक नृत्य है यहाँ प्रस्तुत करेंगी, इसको लेकर विशेष तैयारियाँ की हैं? जी बिल्कुल, हमारा ये पूरा ग्रुप है, सब ने एक ही पूरे स्टेप में एक ही पूरी तैयारी की बहुत अच्छे से। वो भी आप लोग कितना उत्साहित हैं इस बार? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मैं सेकंड टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, आज सेकंड टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज भगवान के शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें आप शामिल होंगी, भगवान रामलला भव्य मंदिर में है, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। ये थे कलाकार जो मयूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण शोभा यात्रा के बीच में करेंगे और अब से कुछ ही देर में शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएगी। राम शोभा यात्राओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये भी अब तैयारियां कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज 18 अयोध्या। आपुनी बिसरा बातरी पाबो केवल न्यूज 18 एपत। न्यूज 18 एप डाउनलोड करिबोलै स्कैन करक एक QR कोड। गूगल प्ले स्टोरतो पाबो ए न्यूज 18 एप।